बिहार के बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में शराबबंदी के बाद भी बेगूसराय में लगातार शराब तस्करों ने नए नए जुगाड़ टेक्नोलॉजी से शराब की करने का धंधा में लगे हुए हैं। दरअसल बेगूसराय में तेल टैंकर पिकअप से शराब की तस्करी कर रहे शराब को पुलिस ने शराब की कार्टून से लोड पिकअप तेल टैंकर को पकड़ा है। हालांकि इस दौरान पिकअप तेल टैंकर का चालक फरार हो गया है। घटना के संबंध में तेघड़ा थाना पुलिस को सूचना मिली कि चलंत पिकअप तेल टैंकर से शराब की बिक्री की जाती है। इस सूचना पर पुलिस ने गौरा गांव में घेराबंदी कर एक पिकअप को जब्त किया है। इस पिकअप पर इंडियन ऑयल लिखा हुआ है और तेल टैंकर की टंकी पिकअप में लगी हुई है। जब इसकी जांच की गई तो तेल टंकी से पुलिस ने लगभग 20 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है, जिसका बाजार मूल्य करीब 2 लाख रुपए बताया जा रहा है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि पिकअप टैंकर का नंबर प्लेट पर नंबर कुछ और है, जबकि पिकअप तेल टैंकर से कागजात में कुछ और है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है कि शराब कहां से लाई गई थी, कहां बेचनी थी और तेल टैंकर का मालिक कौन है। पुलिस जांच के बाद आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से शराब तस्करों के द्वारा शराब तस्करी के लिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी अपनाए जा रहे हैं, उसे पुलिस भी समझ नहीं पा रही है। इस पिकअप तेल टैंकर से लोग घूम घूम कर पेट्रोल डीजल बेचने की बात समझ रहे थे, लेकिन इस पिकअप तेल टैंकर से शराब की तस्करी का खुलासा पुलिस ने किया है।